बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं जी टमाटर की चटनी। घर पर दही ना हो, महंगाई का वैसे ही आजकल बहुत जोर है कि जी महंगाई हर तरफ हो रही है। टमाटर, प्याज, दही, चिकन, हर चीज़ महंगी हो रही है। घर पर अगर आपके पास दही सेफ नहीं है तो आप ये चटनी बनाइए और घर वालों को सर्व कीजिए। इस चटनी को बनाने का तरीका क्या है वो भी आपसे शेयर करते हैं। दही के बगैर चटनी बनाने का सबसे आसान और सस्ता तरीका आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आइए हम इस रेसिपी की तरफ आते हैं कि इस टमाटर की चटनी को हमने कैसे रेडी करना है। की फ्लेम को ऑन कर दिए हम, मीडियम टू स्लो आंच हमने रखनी है। अगर आप तेज़ या आप देख सकते हैं ना हाई फ्लेम इस तरह से रखेंगे तो आपके टमाटर बिल्कुल जल जाएंगे, चटनी का वो टेस्ट नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि चूल्हे की जो फ्लेम है हमने बिल्कुल स्लो कर दी है। स्लो फ्लेम पर आपने इनको तमाम तरफ से अच्छी तरह से पकाना है कि इनका छिलका आसानी के साथ उतर भी जाए और टमाटर अंदर तक हमारे गलने चाहिए। जब तक हमारा ये काम रेडी होता है हम बाकी काम करते हैं। यहाँ पर ये चटनी बनाने के लिए हमें फ्रेश पुदीने की भी ज़रूरत है। तो फ्रेश पुदीने की टहनियों से हमने सिर्फ पत्ते उतारने हैं, इनकी टहनियाँ चटनी बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। अगर फ्रेश पुदीना नहीं है घर पर, आपने सेव भी किया हुआ है तो कोई मसला नहीं, आप उस पुदीने की भी चटनी बना सकते हैं। यहाँ हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम टमाटर जो है वो छिलका उतरना शुरू हो चुका है। हरी मिर्च पहले नरम हो गई थी, उनको हमने निकाल कर साइड पर रख दिया है। अब इनको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद सबसे पहले हमने इनका छिलका उतारना है। छिलका उतार के इनका हमने पेस्ट बनाना है और अपनी चटनी रेडी करेंगे। रेड रोस्ट करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा, 10 दाने तकरीबन हम काली मिर्च के इस्तेमाल करेंगे। इन्हें मीडियम टू स्लो आंच पर आपने इसे 1 मिनट तक पकाना है, हाई फ्लेम पर नहीं पकाना। घर पर अगर दही नहीं है, बच्चे भी घर पर ना हो, दही घर पर सेफ ना हो तो आप टमाटर की चटनी को बना के सर्व कर सकते हैं। यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आज की चटनी बनने जा रही है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमारे मसाले ड्राई रोस्ट हो चुके हैं, इन्हें अब हम उतार के रूम टेम्परेचर पर पहले ठंडा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमने वो हरी मिर्च ली है जिनको हमने चूल्हे पर पकाया है। साथ ही साथ हम एक फ्रेश हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने से ये होता है कि जो हरी मिर्च है उनका पेस्ट बहुत जल्दी बन जाता है। हमने साथ ही साथ इसमें ज़ीरा जो हमने ड्राई रोस्ट किया था और काली मिर्च थी उसे भी हमने ड्राई रोस्ट किया था, वो हम इसके साथ अच्छी तरह से पीस लेंगे। इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे फ्रेश पुदीना है हमारे पास, जिसे धोकर हमने खुश करके रख लिया था, इसको भी हम इसके साथ ही कूट लेंगे अच्छी तरह से। पर इनको आप देख सकते हैं हमने बारीक कूट लिया है। अब हम टमाटर का छिलका उतारेंगे। ठंडे हो चुके हैं टमाटर, इनका छिलका हम आराम से उतारेंगे। हमने पोटैटो मैशर की मदद से इन टमाटर को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। अगर नमक आपको थोड़ा कम महसूस हो तो आप इसमें और नमक का इजाफा कर सकते हैं। मेरे कहने पर नहीं, आप खुद से इस चटनी को ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आज की चटनी आपको कैसी लगी है, जिसमें काली मिर्च भी, साबा जीरे का इस्तेमाल भी, हरी मिर्च भी, टमाटर और वो भी बगैर दही के। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।